बहुत तगड़ा बेस इसका है, यस बैंक। इसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। 12-13, 10-13 के जोन पे कंसोलिडेशन लंबे अरसे तक, उसके बाद वो खैर वो बैंक्स बैंक्स आने के बाद से तस्वीर धीरे धीरे बदली, और ये है लंबा चार्ट। ये खैर यस बैंक तो एक जमाने में आप सब जानते हैं कहां था, इंक्लूजन था इंडेक्सेस में, और आज क्या हाल है। पर ये अब समय आ रहा है, राजेश सर आपके पास आता हूं इस पे। Q4 के नंबर्स आए थे, अगर नंबर्स आपने ढंग से एनालाइज करे हो तो सजाया जा रहा था, क्लियरली विजिबल है। वो प्रोविजनिंग लो थी, वो टैक्स राइट बैक्स आए, मुनाफा जंप करा। पर ध्यान रहे, ये सजाया इसलिए जा रहा है क्योंकि ये शायद बिकने की कगार पे खड़ा है। खबरें ऐसी कहती हैं, रिपोर्ट्स की सरकार ने SBI को मंजूरी दे दी है कि यस बैंक अपना माल छोड़ दो। हालांकि इस बार के रिजल्ट्स में SBI के मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में। पर राजेश सर, यस बैंक, कई लोग पुराना चार्ट दिखा के बताते मल्टीबैगर है ये, इसके लिए भी सिमिलर स्टोरीज हैं। हालांकि दिया है पैसा, ऐसा नहीं है, जो रुके थे 10-12-13 के जोन पे उनको डबल करके दिया है, लेकिन अभी इन लेवल्स पे जब वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी हो रही है, रखे रहना है नहीं रखे रहना है, खरीदना है नहीं खरीदना है? देखिए, जिसके पास है वो बिल्कुल रखे रहे, और जिनके रिस्क एपेटाइट अच्छी है और वो 2-3 साल 4 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। सही कहा आपने कि कुछ ऐसा नंबर लग रहे थे कि जो प्रेजेंटेबल बनाए गए, बट फिर भी अगर आप देखो तो 4वीं तिमाही में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग था। डिपॉजिट्स में करीब करीब 10% के क्वार्टर एंड क्वार्टर और 23% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई दी। कासा रेशियो बढ़कर 30.9 हो गया 29.7 के सामने। रिकवरीज अच्छी थी, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, CD रेशियो इम्प्रूव हुआ है, कासा रेशियो जो है वो 30.9 तक चला गया है। कार्लाइल ने पिछले बार अपने दूसरी बार अपना हिस्सा बेचा है, लेकिन अभी भी उनके पास होल्डिंग है। जो बड़ी होल्डिंग कोटक और SBI में है वो इस वक्त मुझे नहीं लगता कि बिक्री में आने वाली है, ऐसी कोई खबरें निकल के आ रही थी, बट जैसा कि मैनेजमेंट ने कल कुछ कहा नहीं तो ऐसी उम्मीद इस वक्त नहीं है। और मुझे लगता है जिनकी रिस्क कैपेटाइट अच्छी है वो थोड़ी लंबी अवधि के लिए यहाँ बिल्कुल गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी सुधार आता है तो मुझे लगता है यहाँ से अच्छा रिटर्न बैठ सकता है। भाई साहब, गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड करिए। यस बैंक को लेकर व्यू ये है, बाय ऑन डिप्स, और जिनके पास ऑलरेडी है बने रहने की सलाह है।